मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक की भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है यह फिल्म एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक शोक संतपमा अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म एक अप्रैल दो को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और तो रहीमा सेन है छायांकन सौमी हल्दर का है रिलीज की तारीख 10 सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातना यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए और अगले दिन वह सहना के साथ अपने बेटे ये रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यवस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बेखलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया की माँ के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई हवाई अड्डे अड्डे पर पर महिला के में अन्या चोगरी। अन्या चोगरी के रूप रूप में पर में अन्य चौधरी चौधरी अनन्या आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अबीर चक्रवर्ती आई विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक इक्कावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चटर्जी ने किरदार विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धूल मुखर्जी धूल मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक वे, मनो में, में, वे भौमिक स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार अट्ठावनवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेज इन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली संगीन संबंधों को मन में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शहवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज, इमेज इन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता है और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की नौकरी शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म जुनू एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन या अनकही सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बदूर के साथ साथ किसी ने किसी से ये, किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका धीमा हो गया और उन्होंने कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉन्स एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि समान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस सौ नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुपर्णा रितु घोष रितुपर्णा घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की के शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशिया अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पढ़ना सेन और गौतम घोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतु पंडा ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर व्यक्ति में एक थे उद्यन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ने और लेखक गीत तो और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बेंगोली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपनाशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टो रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्ण घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की खोज है जिसमें एक, सोक एक सोक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और रहीमा सेन है छायांकन सौमिक खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातनात यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए और अगले दिन वह सहना के साथ अपने बेटे रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्त हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर अब उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपर्णा घोष और ने मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सैन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुति हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुनाल पाड़ी कुणाल के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न रामरतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर निभायाबीर चक्रवर्ती विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चतुर्जी ने के दाने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धुर मुखर्जी धुर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मनो मेनाक वे भूमिका स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे फिक्चर पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली सं, संबंधों को मन मैची बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी सेवल को एक साहसी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारे तला था हिंदू सोलह सितम्बर दो को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड से तेरह फरवरी तीन फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है इनका जन्म तीन फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसाय अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सी में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया दो दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान के साथ सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदुर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से ये, किसी से न ना कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन उन्नीस के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका धीमा हो गया उन्होंने और उन्होंने कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के, के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव दो में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद मौझ। नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित अमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुघोष घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पढ़ना सेन और गौतम सुघोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्तित्व में एक थे उद्यन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ने और लेखक ले तो और गीतकार थे सक्रिय सन उन्नीस से लेकर दो तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म एक अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति हैं दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और तो रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख है 10 सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथनाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और, करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दहा संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहाना के साथ अपने बेटे के रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहां वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्त व्यस्थित हो जाती और काफ़ी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर अब उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया रितुपन्ना घोष और नेप मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुत हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पहाड़ी कुणाल पहाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया करीम के रूप में बुद्ध देव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अबीर चक्रवर्ती किरदारन्ना सी एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक एकावली खन्ना के सचिव के रूप में नजर आए नए प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चंद्रजी ने किरदार विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धुर मुखर्जी धूल मुखर्जी के रूप में नजर आए

और चोटियार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निदेशक और लेखक सैक्रेवर सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम सन उन्नीस में और इनका विभाग व दो हजार दो में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म तीन फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण नौ, की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गए उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस में श्याम बेनेगल से एक फिल्म जुनू एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में समानंतर सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बद्दूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख से के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बदूर के साथ साथ किसी यह किसी से, से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिस्ट लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कलारूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेहरी मह, द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस तो के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस सौ नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक मुक मुकम्मल सन 2003 के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह 2011 में कलर्स टीवी पर डेली सोप ओपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य काव्यमंचो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता परतीम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित अमेज़न प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि रितुपर्णा घोष रितुपर्णा घोष एक, एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने करियर के की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिश अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने स, जिसने सरसे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पंडा सैन और गौतम घोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतु पंडा ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का 30 मई 2013 को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे उद्दिन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ने और लेखक तो और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णाशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टो रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक ऐसी स्थिति की खोज है जिसमें एक शोक शोक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहना के साथ अपने बेटे रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रोहित चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुत हुई हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अबीर चक्रवर्ती आई विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चतुर्जी ने के दाने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धूर मुखर्जी धूर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मनो मेनाक वे भूमिका स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गई हाजरा शैली संगी संबंधों को मन में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्ण घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी सेवल को एक साहसी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पार एतलाता 10 हिंदू 16 से 2020 को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अल्मा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर सन उन्नीस से वर्तमान तक साथी प्रकाश झा एम सन उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण नौ, की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन 1978 में श्याम बैनेगल से एक फिल्म एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन या अनकही सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से यह किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया उन्होंने और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉन्स एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव दो में श्रद्धांजलि समान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस सौ नब्बे के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस सौ नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सोदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतीम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतु घोष घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन अपना सेन और गौतम सुघोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता और लेखक और गीतकार थे सैक्रवर सन उन्नीस से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविन्द्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी प्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपनाशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक संतप्त मा अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म एक अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और तो रईमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दहा संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहाना के साथ अपने बेटे ये रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यवस्थित हो जाती है। और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुत हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रतन राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अबीर चक्रवर्ती आई सी विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चंद्रजी ने किरदार दाने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार में सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धुर मुखर्जी धुर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मनो मेनाक वे भूमिका स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सबसे अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली संबंधों को में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक साहसी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मैटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निदेशक और लेखक वर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक साथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण नौ, की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बदूर के साथ साथ किसी ने किसी से ये, किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के, के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस सौ नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कल टीवी पर डेली सोप सोपरा मुक्तिबंधन के साथ हजार पंद्रह में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी दो हजार उन्नीस में नेवलजोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन एपिसोड में, में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुपर्णा रितु घोष रितुपर्णा घोष एक एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने करियर की के शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने स, जिसने सरसे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पंडा सैन और गौतम घोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतु पन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का 30 मई 2013 को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे उद्यन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता और लेखक तो और गीतकार थे सन उन्नीस सौ से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टो रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक संतप्त माँ अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोतार और महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और रहीमा सेन है छायांकन सौमिक खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ श्मशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए और अगले दिन वह सहना के साथ अपने बेटे ये रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में राइमासन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में चौधरी अन्य चौधरी के रूप में प्रस्तुति हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर निभायाबीर चक्रवर्ती विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए पर शिक्षक के रूप में नीलांद्री चतुर्जी ने के दाने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धुर मुखर्जी धुर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मनो में मेनाक वे भूमिका शौर भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवे दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गई हाजरा शैली संबंधों को मन में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया सोलह दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज, इमेज इन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 तीन फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म तीन फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसाय अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम 1985 उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सी, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की नौकरी शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन 1978 में श्याम बैनेगल से एक फिल्म जूनू एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य नि भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में समानतर सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बद्दूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से यह किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉन्स एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि समान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद मौझ। नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतीम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतु रितु घोष रितुपर्णा घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की के शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सरशे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पढ़ना सेन और गौतम घोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ले और लेखक तो और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित हो रविन्द्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बेंगोली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपनाशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक संतप्त माँ अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और तो रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातना यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ श्मशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए और अगले दिन वह सहना के साथ अपने बेटे रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और, उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया रितुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रईमा ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की माँ के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में, में, में प्रस्तुत हुई हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभायाबीर चक्रवर्ती आई सी आईओ विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चटर्जी ने किरदार ने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार निभाया सिद्धार्थ की आवाज़ के रूप में धूल मुखर्जी धूल मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मनो, मनो मेनाक वे भौमिक स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार अट्ठावनवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेज इन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा इन संबंधों को मन में जी बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्ण घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया सोलह दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी सहवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारित सोलह हिंदू दो हजार 2020 को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मैटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सक्रिय सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग व 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की नौकरी शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य निभिका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ उन्होंने कम, कमला या अनकही सन उन्नीस सौ पचासी जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्षर पोरुख से के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से ये, किसी से न ना कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरिज इन मार्च 2010 में दस अमाया 2013 में अपनी भूमिका के, के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद मौझ। नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सरश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सरश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सोदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुपर्णा घोष घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशिया अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सबसे फिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पंडासन और गौतम घोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे उद्यन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता लेखक और गीतकार तो तो थे उन्नीस सौ बानवे से लेकर दो तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टो रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख 10 सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातनात यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहाना के साथ अपने बेटे ये रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यवस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर अब उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में राइमर सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया साहना की माँ निभाया, के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुति हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्ध देव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अबीर चक्रवर्ती आई सी आईओ विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चंद्रजी ने किरदार विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार में सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धूर मुखर्जी धूर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मेनाक वे भूमिका स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली इन संबंधों को में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शहवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज, इमेज इन इंडिया 2012 हजार बारह अवार्ड तेरह तीन फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है इनका जन्म तीन फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम सन उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस सौ में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण नौ, की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल नवल ने सन उन्नीस सौ अठहत्तर में श्याम बैनेगल से एक फिल्म एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य निभिका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से यह किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल शेख की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली नब्बे के दशक में उनका धीमा हो गया उन्होंने अन्य और उन्होंने कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेहरी मह, द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस सौ नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतु घोष ऋतुपर्णा घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशिया अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सबसे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन और गौतम सुघोष के साथ राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ने बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर व्यक्तित्व में एक थे जन का जन्म तीस अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ले, और लेखक गीत और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर 2013 तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के निर्ख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर वन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णा सैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा सत्याजिते और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है यह फिल्म एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक शोक संतापमा अपने दिवंगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत महतार महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप्ति दिप, नवल और ऋतुपर्ण घोष और राइमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथनाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यतना यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ श्मशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह के साथ अपने बेटे के रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहां वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यथित व्यथित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर अब उसके बेटे को बहकला ने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपर्णा घोष और ने मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सैन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रोहित चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्न... अन्या चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुत हुई हवाई पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्ध देव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अबीर चक्रवर्ती सी विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक एकावली खन्ना सी के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में इ, नीलांद्री चतर्जी ने किरदार्य विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार किरदार्यार सिद्धार्थ की आवाज़ के रूप में धूल मुखर्जी धूल मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोविज्ञान मनोमे मनो मेनाक वे स्वर्ण भुमिक, भूमिका में नजर आए पुरस्कार अट्ठावनवे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में स्पेन में सबसे में, अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली सम, इन संबंधों को मन में जी बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक साहसी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारे द लता द हिंदू से 16 सितंबर 2020 को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी तीन फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में। जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और नवल और अलमा मैटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसाय अभिनेत्री निदेशक और लेखक सैक्रियावर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक साथी प्रकाश झा एम सन उन्नीस में और इनका विभाग हुआ दो दो में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस सौ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल, नवल ने सन उन्नीस में श्याम बेनेगल से, से एक फिल्म एक फिल्म जुनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य नभिका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस के दशक में समानतर सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस या चौरासी या सन उन्नीस जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस में चश्मे से शुरुआत करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख कास्ट किया गया और चश्मे बदूर के साथ साथ किसी, किसी यह किसी से न ना कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गई तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉस एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव दो में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज़्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेहरी मह, द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया उन्हें इन्हें फिल्म इन ई संघर्ष नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल नवलकुश टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ चौरानवे दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो में कलर्स टीवी पर डेली सोप ओपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित अमेजॉन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुपर्णा घोष ऋतुपर्णा घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की के शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन सेन और गौतम सुघोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे उद्दिन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता और लेखक और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर दो तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित तो और रविन्द्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बेंगोली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टो रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की खोज है जिसमें एक, एक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख 10 सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातना यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहाना के साथ अपने बेटे ये रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यवस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपन्ना घोष और मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सेन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुति हवाई अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रतन राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अबीर चक्रवर्ती आई सी विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एक एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चंद्रजी ने गिदाने विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार में सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धूर मुखर्जी धूर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोवैज्ञानिक मेनाक वे भूमिका में स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे फिक्चर पुरस्कार दीप्ति नवल दीप्ति 2012 में इमेज इन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सबसे अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली सं, संबंधों को मन में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी सेवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारितलाता दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज, इमेज इन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी भारतीय है और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मेटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रिय वर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की नौकरी शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल, नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म जुनू एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य निभिका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे बदूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख सेख के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से ये, किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कला रूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरिज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉन्स एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव 2007 में श्रद्धांजलि समान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ फिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत अंग्रे में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सोदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतु घोष ऋतुपर्णा घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अड़सास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिशी अप्रैल में के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सशे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन पढ़ना सेन और गौतम सुघोष के साथ उन्नीस राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ऋतुपन्ना ने समयकालीन बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का तीस मई दो हजार तेरह को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर से। व्यक्ति में एक थे उद्यन का जन्म 30 अगस्त सन उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ने और लेखक और गीतकार थे सैक्रेव सन उन्नीस से लेकर दो तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविंद्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के उल्लेख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपनाशैन से प्रभावित है और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्ण घोष और राइमा सेन है। यह फिल्म एक, एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक, सोक एक सोक अपने दिवगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदीति अभिनीति है दीप दीप्ति नवल और ऋतुपन्ना घोष और तो रहीमा सेन है छायांकन सौमी खलदर का है रिलीज की तारीख दस सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथानाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ सस शमशान तक गई और दाह संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफ़ी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह सहाना के साथ अपने बेटे रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहाँ वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षार करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्त हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर अब उसके बेटे को बहकलाने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपर्णा घोष और नेप मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सैन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया की मां के रूप में सुचित्रा रॉय चौधरी ने किरदार निभाया हवाई हवाई अड्डे अड्डे पर पर महिला के के रूप रूप में में अन्य चौधरी चौधरी अनन्या प्रस्तुति आदमी के रूप में, अन, में, में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्धदेव चक्रवर्ती ने किरदार निभायाबीर चक्रवर्ती आई सी आईओ विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चंद्रजी ने किरदार विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदार में सिद्धार्थ की आवाज के रूप में धूर मुखर्जी धूर मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोविज्ञान मनो मेनाक वे भूमिका स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नेवेल दीप्ति 2012 में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में में स्पेन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा गया हाजरा शैली संबंधों को मन में बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्ण घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक सासी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारे तला था दस हिंदू सोलह सितंबर दो को लिया गया था और इमेज इमेजिन इंडिया 2012 अवार्ड्स 13 फरवरी 3 तीन फरवरी 2016 को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में, में सक्रिय है इनका जन्म तीन फरवरी सन उन्नीस को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मैटर इनका हंटर कॉलेज व्यवसायी अभिनेत्री निर्देशक और लेखक सैक्रियवर्ष सन उन्नीस से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम उन्नीस सौ में और इनका विभाग हुआ 2002 में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के, के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण नौ, की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल, नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से एक फिल्म जूनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य निविका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन 1980 के दशक में समानांतर सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम कमला सन उन्नीस या अनकही सन उन्नीस सौ जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस में चश्मे मद्दूर से शुरुआत आते करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख से के साथ कास्ट किया गया और चश्मे मद्दूर के साथ साथ किसी ने किसी से यह किसी से न कहना और कथा रंग बिरंगी और फांसले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली प्रतिभा नब्बे के दशक में उनका धीमा हो गया और उन्होंने कला रूपों की खोज की बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में दस अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार जीता उन्हें लॉन्स एंजल्स के एक भारतीय फिल्म महोत्सव दो में श्रद्धांजलि सम्मान के रूप में रूप में मान्यता दी गई थी ज्यादातर हिंदी सिनेमा में मौजूद नवल ने उन भारतीय भाषाओं में भी अभिनय किया जैसे कि मेह मेहरी द दीवा और माने जिसने सन उन्नीस के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में क्रमशः पंजाबी और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के कन्नड़ में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार जीता उन्हें निर्देशक संजय नाग के तहत एक बंगाली फिल्म में अपनी शुरुआत करनी थी लेकिन फिल्म मेमोरीज इन मार्च के अंत में अंग्रेजी में शूट किया गया है उन्हें इन्हें इन उड़िया फिल्म ई संघर्ष सन उन्नीस नब्बे में भी अभिनय किया गया था नवल कुछ टेलीफिल्मों और धारावाहिकों से जैसे सौदा सन उन्नीस सौ बानवे तनाव उन्नीस सौ चौरानवे या मुस्कान मुक, मुक, मुकम्मल सन दो हजार तीन के साथ टीवी पर सक्रिय रहे और वह दो हजार ग्यारह में कलर्स टीवी पर डेली सॉप ऑपेरा मुक्तिबंधन के साथ वापस आई उन्होंने 2015 में काव्य मंच शो एक मुलाकात के एक थिएटर में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध पंजाबी लेख लेखिका अमृता प्रतिम की भूमिका निभाई थी 2019 में नेवल जोया अख्तर द्वारा निर्देशित अमेजोन प्राइम पर एक वेब श्रृंखला मेड इन हेवन में एपिसोड में दिखाई दी और इसके बाद बताया जाता है कि ऋतुघोष घोष एक भारतीय फिल्म निर्देशक ने अभिनेता लेखक और गीतकार थे अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में रचनात्मक कलाकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की उन्हें उनकी दूसरी फिल्म पिक्चर यूनिश अप्रैल के लिए पहचान मिलती है उन्होंने जिसने सबसे पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता अपने समयकालीन अपना सेन और गौतम सुघोष के साथ राष्ट्रीय फिल्म जीतने के बाद ने बंगाली सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया घोष का 30 मई 2013 को दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन हो गया घोष की भारतीय सिनेमा में खुले तौर पर व्यक्तित्व में एक थे उनका जन्म 30 अगस्त उन्नीस को कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय अन्य नाम ऋतु और व्यवसाय निर्देशक अभिनेता ले, और लेखक गीत और गीतकार थे सैक्रेबर सन उन्नीस सौ बानवे से लेकर दो हजार तेरह तक घोष सत्यजीत रे कार्य से प्रभावित और रविन्द्रनाथ टैगोर उत्साही पाठक थे टैगोर के कार्यों पर अक्सर उनकी फिल्मों के निर्ख किया गया उन्होंने टैगोर के जीवन पर जीवन स्मृति नामक का एक प्रति चित्र भी बनाया था और अपने लगभग दो दशकों के कैरियर में उन्होंने बारह राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते उनकी अप्रकाशित बंगाली फिल्म सलंगास को उन्नीसवें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया और रिलीज किया गया और उनका फिल्म निर्माण अपर्णा सैन से प्रभावित थे और तपन सिन्हा रे और संजय लीला बसाली थे मेमोरीज इन मार्च मूवी के फैक्टू रिव्यू मेमोरीज इन मार्च 2010 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन संजय नाग ने किया फिल्म में दीप्ति नवल और ऋतुपर्णा घोष और रईमा सेन है यह फिल्म एक ऐसी स्थिति की प्रभावी खोज है जिसमें एक शोक एक शोक सं संतपमा अपने दिवंगत बेटे की यौन पहचान के बारे में बात करती है यह फिल्म 1 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी फिल्म का निर्देशन संजय नाग है उत्पादित किया श्रीकांत मोहता महेंद्र सोनी ने लेखक अभिदिति अभिनीति हैं दीप्ति दिप, नवल और ऋतुपर्णा घोष और रहीमा सेन है छायांकन सोमी खलदर का है रिलीज की तारीख 10 सितंबर 2010 को पुषान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 1 अप्रैल 2011 को भारत में रिलीज किया गया कार्यक्रम 103 मिनट देश भारत और भाषा अंग्रेजी और हिंदी में इसको रिलीज किया गया था कथनाक दिल्ली की रहने वाली अभिनेत्री मिश्रा का मानना है कि उसका सबसे बुरा दिन वह था जब उनका अपने अमेरिका रिश्ता स्थित पति सुरेश से तलाक हो गया था जब तक उनके उन्हें खबर नहीं मिली कि उनके कोलकाता स्थित बेटे सिद्धार्थ की एक यातनात यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कोलकाता की यात्रा करती है और करती है और हवाई अड्डे पर अपने बेटे की सहकर्मी सहना चौधरी से उनका स्वागत किया जाता है और उनके साथ शमशान तक गई और दहा संस्कार के बाद उन्हें उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया जहां उनका बेटा रहता था और बताया गया कि सिद्धार्थ एक पार्टी में थे उन्होंने न केवल काफी शराब पी रखी थी बल्कि गाड़ी चलाने पर भी जोर दिया था एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया और अगले दिन वह के साथ अपने बेटे के रोजगार के स्थान पर चली जाती है जहां वह कुछ कर्मचारियों से मिलती है और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है लेकिन जब उसे अपने बेटे का सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिलती तो वह व्यस्थित, व्यस्थित हो जाती और काफी परेशान अपने बेटे को नशे में गाड़ी चलाने देने के लिए कार्यालय के कर्मचारियों को दोषी ठहराती है और उसे इस बात का एहसास नहीं है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके बेटे का एक गुप्त जीवन था जो उसे और उसे और भी अधिक झटके और आश्चर्य होंगे बाद में उस, उसने अनबन पर उसके बेटे को बहकला ने का आरोप लगाया लेकिन उसे अपने बेटे के प्रति प्यार का एहसास हुआ डालना आरती मिश्रा के रूप में दीप्ति नवल ने किरदार निभाया ऋतुपर्णा घोष और नेप मित्रा के रूप में नजर आई सहना चौधरी के रूप में रायमा सैन ने किरदार निभाया सहना के पिता के रूप में रजत गांगुली ने किरदार निभाया सहना की मां के रूप में सुचित्रा रोहित चौधरी ने किरदार निभाया हवाई अड्डे पर महिला के रूप में अन्य। अन्या चौधरी अनन्या चौधरी के रूप में प्रस्तुति हवाए अड्डे पर आदमी के रूप में कुणाल पाड़ी कुणाल पाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया रत्न राम रतन के रूप में प्रदीप रॉय ने किरदार निभाया क्रीम के रूप में बुद्ध देव चक्रवर्ती ने किरदार निभाया अमीर अभिर चक्रवर्ती आईएसीआईओ विज्ञापन एजेंसी के रूप में नजर आए कल एकल एकावली खन्ना सीआईओ के सचिव के रूप में नजर आए नए सी प्रशिक्षु के रूप में नीलांद्री चतर्जी ने किरदार विकास के रूप में मंजीत मुखर्जी ने किरदारे बया सिद्धार्थ की आवाज़ के रूप में धूल मुखर्जी मुखर्जी के रूप में नजर आए मनोविमेनाक वे भौमिक स्वर्ण भूमिका में नजर आए पुरस्कार अठावन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अंग्रेजी के सबसे शिक्षा पुरस्कार दीप्ति नवेल दीप्ति दो में इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में स्पेन में सबसे अभिनेत्री पुरस्कार से संविजेता की गई थी संदर्भ में देखा कि हाजरा शैली सम, इन संबंधों को मन में जी बताने वाले फिल्म निर्माता ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि दी गई और चोटी यार बलेसी मेमोरियल इन मार्च यादगार में हो सकती थी और डीएनए इंडिया 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था चटर्जी शेवल को एक साहसी महिला निर्माता जिसका कला क्षेत्र की समीक्षाओं से पारित सोलह सितम्बर दो हजार बीस को लिया गया था और इमेज, इमेज इन इंडिया दो से फर्वरी, तीन फरवरी दो हजार सोलह को मूल रूप से संग्रहित किया गया था इसके बाद बताया गया इस फिल्म के मूल किरदार दीप्ति नवल के बारे में दीप्ति नवल एक भारतीय अभिनेत्री और निर्देशक है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में जन्म 3 फरवरी सन उन्नीस सौ बावन को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय और अन्य नाम दीप्ति नवल और अलमा मैटर हंटर कॉलेज व्यवसाय अभिनेत्री निदेशक और लेखक सैक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ अठहत्तर से वर्तमान तक जीवनसाथी प्रकाश झा एम सन उन्नीस सौ पिचासी में और इनका विभाग व दो हजार दो में इनका एक बच्चा था उनका प्रमुख योगदान कला सिनेमा के क्षेत्र में रहा उन्होंने अपने संवेदनशील और जीवन के कैरियर में किरदारों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसाएं हासिल की जिन्होंने भारत में महिला की बदली बदलती भूमिकाओं पर जोर दिया और वह हिंदी फिल्म उद्योग में पर्दार्पण करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी प्रारंभिक जीवन नवल का जन्म 3 फरवरी उन्नीस को हुआ था और अमृतसर पूर्वी पंजाब भारत में लेकिन जब उनके पिता को सन उन्नीस में इसी सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में शिक्षक की शिक्षण की नौकरी पर मिल गई तो वह न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने इंटर कॉलेज में ललित कला का अध्ययन किया नवल, नवल ने सन उन्नीस में श्याम बैनेगल से, से एक फिल्म जुनू एक फिल्म जुनूर में डेब्यू किया जो, दो साल बाद उन्होंने एक बार फिर से मुख्य नभिका भूमिका निभाई और स्मिता पाटिल और सबान आजमी के साथ सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में सब सिनेमा में एक अभिनेत्री बन गई उन्होंने कम, कमला सन उन्नीस सौ चौरासी या अनकही सन उन्नीस सौ जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई सन उन्नीस सौ इक्यासी में चश्मे से शुरुआत करते हुए उन्हें अक्सर पोरुख से के साथ कास्ट किया गया और चश्मे बददूर के साथ साथ किसी, किसी यह किसी से न ना कहना और कथा रंग बिरंगी और फासले जैसी फिल्मों के साथ वे सन 1980 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ी बन गए. तीन दशक बाद वे टेलमी ओ खुदा सन 2011 में फिर से मिले और उनकी साथ में आखिरी फिल्म लिशन अमाया थी जो 2013 में रिलीज की गई जिस साल से की मृत्यु हो गई थी जबकि सन 1980 के दशक में बहुत प्रतिभाशाली सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में उनका कैरियर धीमा हो गया और उन्होंने अन्य कलारूपों की खोज की और बवंडर और फिराक जैसे सामाजिक नाटकों के साथ वापस आई और लीला 2002 में मेमोरीज इन मार्च 2010 में लिशन अमाया 2013 में अपनी भूमिका के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनय